बिहार के मुजफ्फरपुर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने है। यहाँ एक पंचायत पर नाबालिग रेप पीड़िता से उसके नवजात को बेचने का फरमान सुनाने का आरोप लगाया है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने इस मामले में जांच करने का आदेश दिया है और पुलिस ने 15 वर्षीय मासूम के साथ हुई हरकत को लेकर आईपीसी और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत केस दर्ज कर लिया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक पीड़िता के साथ पहले एक मौलवी और फिर एक इलेक्ट्रीशियन ने घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। मामले के आरोपी फरार हैं और नाबालिग ने 2 दिनों पहले स्थानीय पंचायत के सामने मांग रखी कि बच्चे के पिता का पता लगाने के लिए डीएनए टेस्ट कराया जाए। साथ ही इसका कहना था कि जो भी पिता पाया जाता है उसे दोनों को परिवार के रूप में स्वीकार करना होगा, लेकिन कथित तौर पर पंचायत ने उसे अपना बच्चा बेच देने के लिए कह दिया। अब बढ़ते हैं आगे।